अरे यार मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग को मजाक मजाक में नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। घटना विदिशा के आनंदपुर थाना के जवाती गांव की है। घटना 3 दिन पुरानी है और अब इसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में देखा गया है कि 60 साल के पन्ना लाल ने नाली का पानी अपने हाथों में उठाया और उसे पी लिया। घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने पन्ना लाल के पानी पीने के बाद उसे शाबाशी भी दी। बताया जा रहा है कि यह मामला विदिशा के जवाती गाँव के कुशवाहा इलाके का है। 14 सेकंड के इस वीडियो में कई और लोगों की आवाज भी सुनने को मिल रही है। इस मामले में गाँव के सरपंच कई प्रतिनिधि के साथ कई और युवा भी शामिल है। इस पर जब पन्ना लाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने नाले का पानी पी लिया था। बताया जा रहा है कि पन्ना लाल गांव के कुशवाहा इलाके से गुजर रहे थे, तभी उसकी सुपारी नाली के पानी में गिर गई थी। इसके बाद पन्ना लाल ने सुपारी को पानी से निकालकर उसे साफ पानी से धो लिया था। इसके बाद ही पन्ना लाल के साथ नाली के पानी पीने वाली घटना घटी। शर्त जीतने के बाद पन्ना लाल को 2000 रुपए दिए गए थे। बुजुर्ग का कहना है कि यह पूरा मामला मजाक का है और फिलहाल किसी ने भी इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि क्या कोई इतना भद्दा मजाक भी कर सकता है, क्या सभ्य समाज में लोग किसी को मजाक में ऐसा कृत्य करने के लिए भी उकसा सकते हैं।